नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का देश के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वन अकेडमी पर और हमारे चैनल बैंक लैडर पर आप सभी का स्वागत है। टॉप एजुकेटर टॉप बैचेस आपके लिए मेरे दोस्तों सामने रखे गए हैं। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 29 सितंबर से, अभी भी समय बीता नहीं है। एनरोल करिए फटाफट इन बैचेस के साथ, अपनी तैयारी को शुरू करिए। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बैंक प्रिपरेशन, 30+ बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड। 20 आवर से ऊपर का रिकॉर्डेड कंटेंट अपलोड हो जाता है मेरे दोस्तों हर आवर आपके लिए। 70+ एडुकेटर्स हैं, 40,000 आर से ऊपर का रिकॉर्ड कंटेंट अवेलेबल है, 20,000 से ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 98% ट्रस्टेड बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं। ये सारी खासियत सारे बेनिफिट्स मेरे दोस्तों आपको मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जुड़िए अनअकैडमी के साथ। रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच SBI क्लर्क मीन्स के लिए जो स्टार्ट हुआ था मेरे दोस्तों उसी आगे बढ़ाया जा रहा है। IBPS RRB क्लर्क मीन्स के लिए और IBPS क्लर्क के लिए अपने आप को एनरोल करिए इस बैच के साथ। आपके लिए कंप्लीट लर्निंग बैच ला रहे हैं IBPS क्लर्क के लिए मेरे दोस्तों, और IBPS RRB क्लर्क मेंस के लिए भी ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 29 सितंबर से सुबह 10:30 बजे मैं आपके लिए शुरू कर चुका हूँ जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का बैच। बेसिक बैच है, फाउंडेशन से मेरे दोस्तों सारी बारीक बातें आपको बताई जाएंगी इस बैच के साथ, सारी काम की चीजें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी इन बैचेस में आते हैं, इस बैचेस में आते हैं मेरे दोस्तों। आप इस बैचेस के साथ अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। मैथ्स सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाऊंगा, तो इस बैच के साथ फटाफट अपने आप को एनरोल कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस हैं, प्रैक्टिस बैच, फाउंडेशन बैच, रणवीर एडवांस बैच मेरे दोस्तों। इसके अलावा NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव आपके लिए बेस्ट बैच आया जा रहा है। टारगेट LIC असिस्टेंट है आपका, तो उसके लिए अलग से बैच है, और SBI के लिए भी बैचेस यहाँ पर रखे गए हैं। आस्क अ डाउट बैन अकेडमी एक स्पेशल इनिशिएटिव जो कि आपके लिए शुरू किया गया है। आपके कोई डाउट्स कोई क्वेरीज मेरे दोस्तों, तो आप इस इनिशिएटिव के साथ जुड़कर अपनी दिक्कतों को सुलझा सकते हैं। कैसे? आपको आस्क अ डाउट बैन अकेडमी का इस्तेमाल करना है। आपको डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, आस्क अ डाउट पे क्लिक करना है, जो क्वेश्चन है उसकी इमेज को क्रॉप करना है और पेस्ट करना है। आपका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा दोस्तों, जैसे कि आप दुरुस्त होकर दिक्कत फ्री हो जाएंगे, आपकी सारी क्वेरीज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बैंक कॉम्बैट जो कि आपके लिए आता है हर संडे को सुबह 10 बजे, इस कॉम्बैट के साथ पार्टिसिपेट करके आप अपने आप को जज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको बस एक काम करना है, जब भी आप एनरोल करें तो इस कोड का इस्तेमाल करना है Mishra10 का। मैं दोस्तों इस कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पा सकते हैं स्कॉलरशिप। रैंक 1-3 वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 1 ईयर बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री है स्कॉलरशिप में। रैंक 4-10 75%, 11-50 50%, 51-500 25%, एंड रैंक 501-1000 20% का स्कॉलरशिप है। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? जुड़िए इस कॉम्बैट के साथ, अपने आप को जज करिए, अपने आप को टेस्ट करिए और पाइए स्कॉलरशिप। बेस्ट ऑफर है अनअकैडमी पर बैंक और SSC के लिए मेरे दोस्तों, कॉम्बो ऑफर। इस कॉम्बो ऑफर का फायदा आप जरूर उठाइए। 7999 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, साथ में 6 मंथ बैंक के लिए और 6 मंथ SSC के लिए आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट। कितने में? 7999 में। 2 ईयर मेरे दोस्तों 9999 का है। कोड क्या है? Mishra10 का। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और NABARD की जब बात करते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जाम माने जाते हैं बैंकिंग सेक्टर के, इनके लिए भी बैचेस यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। एनरोल करिए और अपने अपने सपने को पूरा करिए मेरे दोस्तों। डेली तूफानी करंट अफेयर का सेशन आपके लिए लाते हैं मॉर्निंग में 8 बजे। भास्कर प्रताप मिश्रा मेरा नाम है, फॉलो करिए कोड Mishra10। 6 मंथ करंट अफेयर में दोस्तों फ्री स्पेशल क्लास है, रात को अपने आपको टेस्ट करिए, जज करिए। 10:30 बजे मिलेंगे हम आपको डेली। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी खूबियां हैं इस प्लेटफॉर्म की। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7800 का है। कोड यूज करेंगे Mishra10 तो पाएंगे मेरे दोस्तों 10% का डिस्काउंट। इसके अलावा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों 6500 का है। कोड यूज करिए, पाइए 5850 में अपना कोर्स। कोड या क्या यूज करेंगे? Mishra10। रिपोर्ट एंड विन इनिशिएटिव, जिसकी मदद से आप कोई भी इनअप्रोप्रिएट वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं और जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। शुरू करते हैं सेशन को। आज 8 अक्टूबर मेरे दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इसे मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया गया? आंसर करिए फटाफट, बताइए मेरे दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 किस संस्था ने रिलीज किया है? नीति आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, नेशनल हाउसिंग बैंक या फिर पब्लिक अफेयर सेंटर। मेरे प्यारे मित्रों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके मंत्री पूछे जा सकते हैं आपसे कि मंत्रालय किसके पास है। सही जवाब है
हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी मेरे दोस्तों इस मंत्रालय को संभालते हैं, इस मिनिस्ट्री को संभालते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनके पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय भी है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर नीति आयोग बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं, लेकिन नीति आयोग इस सवाल का जवाब नहीं है। एसडीजी इंडेक्स रिलीज किया जाता है, इस पे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स मेरे दोस्तों, जिसमें केरल ने टॉप किया है, यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया है, उस इंडेक्स को मेरे दोस्तों नीति आयोग रिलीज करता है। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपसे पूछा जा रहा है रंजीत सिंह दिसाले के बारे में। रंजीत सिंह दिसाले जो काफी चर्चाओं में रहे, ग्लोबल प्राइज, ग्लोबल टीचर, टीचर्स ग्लोबल प्राइज मेरे दोस्तों 2020 में जीता था इन्होंने। इनको नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर। ये कौन से राज्य से जुड़े हुए हैं, यानी कौन से भारतीय राज्य से आते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। एग्जाम में इनके नाम से एक सवाल रखा हुआ है, तैयार रखिए, सारी डाउट्स को क्लियर करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आना है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मेरे दोस्तों नन ऑफ दीज। कोई भी बच्चा नन ऑफ दीज ऑप्शन लगाएगा, कोई ना कोई स्टेट जरूर लगाएगा। सही जवाब इस नन ऑफ दीज का क्या है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के सोलापुर से आते हैं और सोलापुर में एक प्राइमरी पाठशाला में टीचर है मेरे दोस्तों। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो एक आईटी एक्सपर्ट हैं, लेकिन इन्होंने बाद में शिक्षा को ही और शिक्षक बनने का ही डिसाइड किया। और ग्लोबल टीचर्स प्राइज की जब बात करते हैं तो 7 करोड़ का इनाम भी जीता मेरे दोस्तों। उसके बाद वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर नियुक्ति भी पाई। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, पूछा जा सकता है, डेविड मेलपास, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, अजय माथुर। इनको नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल के तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, आईएससी में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएससी की जब बात करते हैं तो इनको नियुक्त किया है यहां पर 4 ईयर के टर्म के लिए मेरे दोस्तों, 4 वर्षों के लिए। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इनसे पहले डीजी था, यानी कि डीजी के पद पर कौन विराजमान थे जिनका कार्यकाल पूरा हुआ और उनके बाद अजय माथुर को यहां पर नियुक्त किया गया। सही जवाब क्या है दोस्तों? राइट आंसर जो है उनका नाम है उपेंद्र त्रिपाठी। उपेंद्र त्रिपाठी राइट आंसर। उपेंद्र त्रिपाठी फॉर्मर डीजी ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में, एग्जाम में पूछा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, सिडबी के नए चेयरमैन का नाम क्या है? रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज सिडबी न्यू चेयरमैन। एग्जाम में नियुक्तियों से संबंधित एक सवाल जरूर बन सकता है। राइट आंसर है एस रमन। एस रमन इज द राइट आंसर। एस रमन एकदम सही जवाब है। एस रमन बिल्कुल दुरुस्त जवाब है मेरे दोस्तों। इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले मोहम्मद मुस्तफा थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे क्या एन रमन, लेकिन एन रमन मेरे दोस्तों ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश मेरे दोस्तों, और 48वें 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। डेविड रस्किना एग्जिम बैंक से जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और हर्षा बंगारी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है एग्जिम बैंक में। अगला सवाल, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC में नए चेयरमैन के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई? अब नियुक्ति को थोड़ा समय हो चुका है, इस समय कौन है? नाम है उनका मेरे दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। यहां पर मिश्रा जी लोगों में और अजय और अरुण में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एग्जाम में अरुण कुमार मिश्रा एकदम सही जवाब है, यही टिक करिएगा। आपसे पूछा सकता है इनसे पहले कौन थे? तो जवाब दीजिएगा HL दत्तू साहब, वो भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अभी पश्चिम बंगाल में इसी आयोग द्वारा जांच की गई और रिपोर्ट पेश की गई थी। हु अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। दोस्तों आपके एग्जाम में कमीशन से संबंधित एक सवाल आता है, वो कोई भी कमीशन हो सकता है। यहां पर शेड्यूल ट्राइब से संबंधित कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसके नए अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन लोगों का ध्यान इस सवाल पर कम जाता है। सही जवाब क्या है? राइट आंसर है हर्ष चौहान। तो दोस्तों हर्ष चौहान जो है एकदम दुरुस्त आंसर है, राइट आंसर। शेड्यूल ट्राइब्स की जब चर्चाएं करें दोस्तों, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके पास है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये मंत्रालय मेरे दोस्तों अर्जुन मुंडा जी के पास है। किसके पास है? अर्जुन मुंडा जी के पास है। अर्जुन मुंडा जो कि सांसद हैं खूंटी से, झारखंड से। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो अर्जुन मुंडा आंसर लगा देंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्हीं के नाम के बारे में सुना हुआ है, मंत्रालय इनके पास है।
लेकिन कमीशन के बारे में जब जानेंगे दोस्तों तो राइट आंसर है हर्ष चौहान। एग्जाम में ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है किस स्टेट में है, वो मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फॉरेस्ट परसेंटेज की जब बात करते हैं, नेशनल पार्क्स की जब बातें करते हैं, टाइगर्स की जब बात करते हैं, लेपर्ड की जब बात करते हैं, तो ये संख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्हें शेड्यूल कास्ट से संबंधित नेशनल कमीशन में चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है, हु अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। सही जवाब बताइए फटाफट मेरे दोस्तों, एनसीएससी के नए चेयरमैन का नाम क्या है। यहां पर अर्जुन मुंडा नहीं जवाब दीजिएगा, ये ट्राइबल अफेयर मंत्रालय संभालते हैं। जुअल ओरम, ये फॉर्मर पहले फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट में ये ट्राइबल अफेयर मंत्रालय संभाल चुके हैं। हर्ष चौहान मेरे दोस्तों, ये शेड्यूल ट्राइब से संबंधित कमीशन के चेयरमैन हैं। राइट आंसर है विजय संपला। विजय संपला मेरे दोस्तों ये सांसद भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। अगला सवाल, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। इस समय यूरोपियन कमीशन जो है उसके प्रेजेंट मेरे दोस्तों प्रेसिडेंट का नाम बताना है आपको। एंगोजी ओकोंजो इवियाला, इस नाम को सुनकर बहुत सारे बच्चे यही जवाब दे देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो है वो है उर्सुला वॉन्डर लेन। उर्सुला वॉन्डर लेन ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। जब हम बात करते हैं यूरोपियन कमीशन की, तो ये यूरोपियन यूनियन को संभालता है। यूरोपियन यूनियन से संबंधित यूरोपियन कमीशन है और इसी से संबंधित यूरोपियन काउंसिल है। यूरो करेंसी की जब बात करते हैं तो उसको संचालित करने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। उर्सुला वॉन डर लेन यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। चार्ल्स मिशेल जो हैं ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन काउंसिल जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा काउंसिल और कमीशन में। अगली बात, क्रिस्टीन लगाडे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है, ईसीबी की हेड है, हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट। ऑड्रे अजौले यूनेस्को में मुखिया हैं, यूनेस्को की इस समय हेड हैं, पेरिस से ही आती हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। एंगोजी ओकोंजो इवियाला ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की फर्स्ट फीमेल हेड हैं और नाइजीरिया से हैं। कहाँ से हैं? नाइजीरिया से। याद रखिए मेरे दोस्तों WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। कहाँ पर है? वो जेनेवा में है, ध्यान रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जहाँ पर कॉलोनीज हैं हेडक्वार्टर्स की। चलते हैं अगले सवाल पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इटली। इटली के प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए मेरे दोस्तों। इटली के प्रेसिडेंट के बारे में जब पूछा जाता है तो नाम क्या है, उनका नाम है सर्जियो मैटरेला, या फिर कोई पूछे आपसे मारियो द्रागी, तो मेरे दोस्तों इस सवाल में आप गच्चा खा सकते हैं। इटली के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, सही जवाब दीजिए फटाफट। मेरे प्यारे मित्रों याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो मेरे दोस्तों वो हैं सर्जियो मैटरेला और मारियो द्रागी ये प्राइम मिनिस्टर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। जीन कैसेक्स की जब बात करेंगे ये प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के। जस्टिन ट्रूडो की जब बात करते हैं कैनेडा। पेड्रो सैंचेज ये स्पेन के हैं। हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज पीएम के तौर पर इसराइल में किसकी नियुक्ति हुई है, जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को रिप्लेस किया है। बेंजामिन नेतन्याहू का 12 वर्षों का लंबा कार्यकाल समाप्त हुआ। नई नियुक्ति हुई प्रधानमंत्री के तौर पर नफ्ताली बेनेट की। किसकी? नफ्ताली बेनेट ये नए प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इसाक हर्ज़ोग जो हैं ये नए प्रेसिडेंट के तौर पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं इसराइल में। रेवन रेवलिन फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। चार्ल्स मिशेल यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। नामों में कन्फ्यूज मत होइए, याद रखिए एग्जाम में सवाल बनेगा जरूर। आपके एग्जाम में इसराइल से सवाल बन सकता है एक जरूर, यूनाइटेड अरब अमीरात से एक सवाल बन सकता है। इस प्रकार के जो कंट्रीज चर्चाओं में रह रहे हैं उनसे संबंधित एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से वो कौन है मेरे दोस्तों, अगले सवाल में आपको जवाब देना, हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर मेरे दोस्तों लेटेस्ट नियुक्ति किसकी हुई है? सही जवाब है ACP। ACP मतलब अनूप चंद्र पांडे। नाम याद करने का बड़ा सरल सा तरीका है, याद रखिए ACP। अब वो दोस्त जो इलेक्शन कमिश्नर में कंफ्यूज है, तो आपको बता दूं मेरे दोस्तों इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग की जब बात करते हैं तो जानकारी आर्टिकल 324 में दी गई है। इस चुनाव आयोग का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। क्या होता है? एक CEC होता है।
यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसके अंतर्गत मेरे दोस्तों दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, याद रखिएगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका नाम है सुशील चंद्रा, ये सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक नाम है राजीव कुमार, ये इलेक्शन कमिश्नर है इस समय, और जो नए इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। सुनील अरोड़ा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर थे नियुक्त, फॉर्मर हो गए अब, यानी कि अब रिटायर हो चुके हैं। सुबोध कुमार जायसवाल मेरे दोस्तों ये सीबीआई में डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? मेरे दोस्तों ये दिन जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 23rd of April को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के दिन वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी भी अनाउंस की जाती है। 2021 की जो शहर है उसका नाम है तबलिसी, तबलिसी जॉर्जिया का एक खूबसूरत शहर है जिसे वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी के तौर पर नामित किया गया है 2021 के लिए। आपके एग्जाम में 2022 का सवाल पूछा जा सकता है, ग्वादलजारा जो कि मैक्सिको का एक शहर है जिसे वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी अनाउंस किया गया है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मेरे दोस्तों 23rd of April याद रखिएगा। 18 अप्रैल की जब बात करते हैं ये भी एक खास दिन है, इसे बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। कौन सा? वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस अनाउंस किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे अनाउंस किया जाता है, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा एग्जाम के नजरिए से काम का है। चलते हैं अगले सवाल पर, 24 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे दोस्तों नेशनल पंचायती राज दिवस। अगला सवाल जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये करंट बैंकिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विच इंटरनेशनल बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड 484 मिलियन यूएस डॉलर फॉर चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तमिलनाडु में मेरे दोस्तों चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 484 मिलियन यूएस डॉलर का एक एग्रीमेंट है जो भारत सरकार और किसी अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट बैंक के बीच में हुआ है, उस संस्था के बारे में आपको जानकारी देनी है। सही जवाब है, राइट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर जितने भी बैंक हैं वो आपके एग्जाम के नजरिए से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड बैंक की जब बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, IMF हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट जर्मनी, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई, याद रखिएगा हेडक्वार्टर्स आपके एग्जाम में एक सवाल जरूर बनाते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ADB का मुखिया कौन है? मसासुगो असाकावा ADB के इस समय प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा हैं, हेडक्वार्टर मनीला में है ADB का, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री 68, स्थापना 1966 की। कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी जरूरी है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी पेमेंट बैंक, किसी भी पेमेंट बैंक में एक खाता धारक मैक्सिमम कितना पैसा रख सकता है? हाउ मच मैक्सिमम बैलेंस दैट अ सिंगल अकाउंट कैन होल्ड इन अ पेमेंट बैंक एज पर द न्यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। मेरे दोस्तों राइट आंसर है 2 लाख रुपए। ये लिमिट पहले मेरे दोस्तों 1 लाख होती थी जिसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। इस समय हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ पेमेंट बैंक कितने हैं कोई पूछे तो आप बोलेंगे 6। आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं तो आपका जवाब होगा 11, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। पेमेंट बैंक से संबंधित कमेटी के हेड नचिकेत मोर थे और स्मॉल फाइनेंस बैंक से संबंधित कमेटी की मुखिया उषा थोराट थी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्हें इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के नए सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है? इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है मेरे दोस्तों। आर्थिक मामलों से संबंधित सचिव का नाम पूछा जा रहा है आपसे, राइट आंसर क्या है? सभी के सभी नाम अजय से ही संबंधित हैं, अजय माथुर, सेठ, त्यागी, अजय पुरी, राइट आंसर है अजय सेठ, लेकिन बाकी नामों के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, इंपॉर्टेंट है। अजय माथुर की जब बात करते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, फ्रांस और भारत के द्वारा एक सोलर अलायंस गठित किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन से संबंधित और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन हैं, अजय भूषण पांडे फॉर्मर फिनेंस सेक्रेटरी, अजय पुरी जो हैं ये सेलुलर ऑपरेटर, मैं बता देता हूँ सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के चेयरमैन के तौर पर चुने गए हैं, ये भारतीय एयरटेल से संबंधित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के नजरिए से, पूछा जा सकता है कि मुद्रा योजना ने इस वर्ष कितने पूरे कर लिए, वर्ष यानी कि इसको शुरू हुए कितने वर्ष हो चुके हैं। मुद्रा योजना की जब बात करते हैं बहुत ही
पॉपुलर योजना और बहुत ही सफल योजना बोल सकते हैं लोगों के नजरिए से, सरकार भी तो बोलती है कि काफी सफल रही। मुद्रा का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसकी स्थापना मेरे दोस्तों या फिर इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से हुई है, ये याद रखिएगा, एग्जाम के नजरिए से काम का है। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना थी, PMJDY, वो भी बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, 2021 में मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए, ये कोई पूछे तो आप बोलेंगे 6 ईयर्स कंप्लीट किए। कितने कंप्लीट किए, 6 वर्ष पूरे कर लिए, 6 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। 22 जनवरी 2015 को मेरे दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। 1 जुलाई 2017 जो डेट दी गई ऑप्शन में, इस दिन GST देश में लागू किया गया था। और 9 मई 2015 की जब बात करते हैं दोस्तों, तो इस दिन हमारे देश में कुछ योजनाएं लॉन्च की गई थी, जैसे सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। आपके एग्जाम में मुद्रा से संबंधित एक सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, वो कौन सा बैंक है जिसके द्वारा स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम, स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम इंटरनेशनल वीमेंस डे पे लॉन्च किया गया। स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम मेरे दोस्तों इसे लॉन्च किया था SDFC ने। किसने? SDFC ने, ध्यान रखिएगा, SDFC द्वारा। SDFC द्वारा एक कैंपेन जो है बहुत चर्चाओं में, सलाम दिल से, देश में डॉक्टर्स ने जो बड़ा रोल प्ले किया है COVID-19 वॉरियर्स के तौर पर, उसी को समर्पित है एक कैंपेन। SDFC से संबंधित ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। एक्सिस बैंक का पावर सैल्यूट और ICICI बैंक का सैल्यूट डॉक्टर, ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये मेरे दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एजेंसी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा अनाउंस किया जाता है। यंग चैंपियंस अवार्ड जो है ये स्टार्टअप के लिए दिया जाता है, युवाओं को जिनके द्वारा, जिनके पहल के द्वारा या इनिशिएटिव्स के द्वारा पर्यावरण को बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ नाम है और उनमें से एक नाम है विद्युत मोहन, ये नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात से आते हैं और इनके द्वारा एक इनिशिएटिव जो काफ़ी चर्चाओं में रहा था, उसके लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपके एग्जाम में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में पूछा जाए, ये कौन सी संस्था देती है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैव मैक्सिमम नेशनल पार्क, एक सवाल है आपके सामने, बताना है आपको कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। तो यहां पर आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेरे दोस्तों कुल 12 नेशनल पार्क है। उसके बाद आता है अंडमान निकोबार, कुल 9 नेशनल पार्क है। फिर असम आता है, 7 नेशनल पार्क है। ये ऑर्डर याद रखिएगा, एग्जाम में एक सवाल बन सकता है। जानते हैं नेशनल पार्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो हेमिस नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा और हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल जो चर्चाओं में है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहला हॉट बलून सफारी शुरू किया गया। हमारे देश में नाइट सफारी भी शुरू कर दिया गया है। वो कितने राज्य, कौन कौन से टाइगर रिजर्व में है, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच में। असम में 7 नेशनल पार्क है। 7वां नेशनल पार्क का नाम पूछा जाए तो बताइएगा देहिंग पटकई। तीसरा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार के बाद। अगला और आज का आखिरी सवाल आपको बताना है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है इसके महानिदेशक का नाम क्या है। सही जवाब है मेरे दोस्तों मृत्युंजय मोहपात्रा इज द राइट आंसर। मृत्युंजय मोहपात्रा एकदम सही जवाब है मेरे दोस्तों। बाकी नाम के बारे में भी जान लीजिए। SC खुंटिया, ये IRDAI से संबंधित हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इससे संबंधित हैं, इसके हेड हैं। अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़े हुए हैं, NHRC से। सुबोध कुमार जायसवाल CBI से जुड़े हुए हैं। वी विद्यावती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। मैं दोस्तों इस सवाल के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों को होप सो सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया मेरे दोस्तों तो सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे में दोस्तों जुड़िए अनअकैडमी के साथ, लेट्स क्रैक इट के साथ। मेरे दोस्तों अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।